कालचिनी ब्लक तृणमूल कांग्रेस को कार्यालय में सोमवार साझ योगदान कार्यक्रम में राजा भातखावा अंचल का भाजपा निर्वाचित पंचायत सदस्य नुमी उड़ाव लगायत सीपीएम निर्वाचन पंचायत सदस्य सरस्वती एक्का रायमाटन चियाबारी को अवकाश प्राप्त बीएसएफ अधिकारी तथा वर्तमान समाजसेवी शरण लामा सहित सातारी अंचल का प्राय सैकड़ों मानिसहरूले अन्य दल छोड़कर तृणमूल में सामिल भए। यस योगदान कार्यक्रम में तृणमूल कालचिनी ब्लक सभापति वीरेन्द्र बाराउडाव लगायत तृणमूल युवा कांग्रेस को कालचिनी ब्लक सभापति पवन याल्मो हैदर अली अंसरी असीम पाखरिन कालचिनी अंचल चेयरमैन अतीश छेत्री सभापति शंकर कुजुर राजा भातखावा अंचल सभापति मनोज शर्मा राजा भातखावा ग्राम पंचायत का उपप्रधान पार्थ प्रीतम दत्त एवं अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। योगदान सम्बन्धमा तृणमूल कालचिनी ब्लक सभापति वीरेन्द्र बाराउडावले भाजपाले केवल पोस्टर आश्वासन दिँदै आइरहेको र भाजपाका सांसद र विधायकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकासको केही काम गर्न नसकेकोले मा माटी र मानुषको दलमा आस्था राख्दै सबैजना विश्वासको निम्ति तृणमूलमा सामेल भइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा अझै धेरैजना सामेल हुने जनाएका छन्। इलेक्शन रजिस्टर पंचायत ऑलरेडी खत्म मैंने समाप्त हो चुका है, वोट भी गठन हो चुका है। कालचिनी ब्लॉक में 11 अंचल है और 11 अंचल मैंने 11 जीते हैं, 11 जीते में ही हम लोग एक मेजोरिटी के साथ हमें जनधन ने हमें बहुमत दिया है और बहुमत देने के कारण से आज 11 अंचल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का वोट बना। वोट बनने के बाद हम धीरे धीरे एक ज्वाइनिंग की ओर जा रहे हैं। आज हम अपने द्वार को खुला रखे हैं, हमारा ना कोई प्रेशर है, ना किसी को प्रलोभन, ना कोई स्वेच्छा से दीदी के काम। हम लोग जानते हैं कि 2019 में एक समय पूरा उत्तर बंगाल का पूरा सीट एमपी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। 2019 में 5 का 5 विधानसभा सीट में अलीपुर द्वार से एमएलए के रूप में जीता था भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहे बगान के लोगों को यानी और इस क्षेत्र के लोगों को कालचिनी ब्लॉक के लोगों को एक आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद या जीतने के बाद एक विकास का काम यानी डेवलपमेंट का यहाँ पे एक धारा प्रवाह करेगी। लेकिन 2019 के बाद देखिए अगला 6 महीना 8 महीना के बाद फिर से लोकसभा होने वाला है। लगभग 4.5 साल बीत गया। हमारे यहाँ का जो एमपी है अलीपुर द्वार लोकसभा के जो एमपी जोन बरला जी यूनियन का एक भी काम अपने पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर पाए, हम कालचिनी ब्लॉक में भी नहीं देख पाए। और साथ ही साथ यहाँ का जो एमएलए है विशाल लामा वो भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए एक भी गांव जनता के नजर में नहीं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस आश्वासन आशा और भरोसा दिया था जनताओं को जिसके कारण से जनताओं ने 2019 और 2021 में जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था वह पूरी तरह से एक जुमला नजर आया, जिसके कारण आज धीरे धीरे सभी को सच्चाई का पता चल गया है। भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, ठगबाज पार्टी है, ना उनका एमएलए ना उनका एमपी जनताओं के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया। उसी पर दूसरी तरफ देखिए 2019 और 2021 में हारने के बाद भी दीदी किंतु अलीपुर द्वार जिला और हमारे कालचिनी ब्लॉक का विकास का हर काम कर रहे हैं, जिससे जनता प्रभावित होकर धीरे धीरे सब भारतीय जनता पार्टी से बम्प से कांग्रेस से और जो बड़े बड़े समाज सेवी है जैसे आज शरण लामा जी जो एक बीएसएफ के जवान जो 22 वर्ष बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद आए, एक उनका अच्छा खासा एक सोशल फील्ड है, वही भी आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में आए। ये प्रमाण होता है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपने काम के कारण अपने उन्नति के काम के कारण जनता के दिल में बसा हुआ है, इसलिए जनता धीरे धीरे करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के परिवार में जुड़ रही है। सुजाता मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी यहाँ गराइन्छ ब्युटिशियन कोर्स बेसिक देखि एडवांस सम्म को मेकअप क्लासेस हेडू नेल एक्सटेंशन अनि नेल आर्ट मेनिक्योर पेडिक्योर डिटेन फेशियल र प्रैक्टिकल क्लास सँगै विभिन्न प्रकार का आई लुक फेस बेस ब्राइडल नन ब्राइडल र एचडी मेकअप प्लेसमेंट सँगै ब्युटिशियन र डिप्लोमा कोर्स गर्नका लागि सधैं सम्झिनुहोस् एकमात्र भरपर्दो सुजाता मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी
दार्जिलिङ मोड नजिक सिलीगुड़ी संपर्क गर्नुहोस् 9475822401 8509499813।